हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा मोस्ट अवेटेड महिंद्रा 123 00 W8 2019। दोस्तों, W8 इस गाड़ी का टॉप मॉडल है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आपको इस गाड़ी का फीचर्स, हाईलाइट पॉइंट, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सब कुछ के बारे में डिटेल में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करने के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो फिर चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। महिंद्रा 123 00 एस सांगेओ ट्रैवली का अपग्रेड वर्सन है और इसका लुक महिंद्रा 125 00 के साथ भी कंपेयर किया जाता है। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का लुक की, तो फिर पहले आप इस गाड़ी का फ्रंट डिज़ाइन भी देख सकते हैं। पहले आपको देखने को मिलेगा महिंद्रा का क्रोम फिनिश में बैजिंग इस गाड़ी का ग्रिल के पास, और महिंद्रा का क्लासिक सिग्नेचर ग्रिल भी दोस्तों आप देख सकते हैं। इस गाड़ी का सिग्नेचर ग्रिल 125 00 जैसा ही लगता है, मगर इस गाड़ी का जो लुक्स है वो बहुत ही शानदार है। और आपको एक एक्स्ट्रा क्रोम फिनिश में लीक भी दोस्तों आपको ऊपर देखने को मिलेगा, और नीचे भी आपको क्रोम फिनिश में एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलता है। उसके नीचे लगा हुआ है फ्रंट पार्किंग सेंसर, जो कि SUV सेगमेंट में महिंद्रा ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। और बात करें इस गाड़ी का लाइटिंग की, आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और उसके साथ स्ट्रिकलिंग LED DRLs। दोस्तों आप देख सकते हैं LED DRLs, जो कि इसका लुक को और भी बेहतर और क्लासी बना देता है। नीचे आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का फॉग लैम्प। दोस्तों बात करें इस गाड़ी का डिज़ाइन की, तो फिर आप डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, गाड़ी देखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। मैं यदि आपको दिखाऊं इस गाड़ी का शेप की, तो फिर आप यदि देखें इस गाड़ी का शेप क्लोजली, तो फिर आपको ये गाड़ी 125 00 जैसा ही लगेगा। इस गाड़ी का फ्रंट डिज़ाइन महिंद्रा 125 00 जैसा ही बनाया गया है। बात करें इस गाड़ी के रियर की, पहले दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी का मॉडल का बैजिंग। आप नीचे देख सकते हैं W8 लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दोस्तों दिखा रहा हूँ, देखिए W8। दोस्तों इस गाड़ी का आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेगा, W4, W6 और W8। W8 इसका टॉप मॉडल है, और आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का LED DRLs। इसका जो स्टाइलिश ग्राफिक्स है और जो शेप है वो बहुत ही यूनिक है, और उसके साथ आपको महिंद्रा का लोगो भी आप देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको 123 00 का लोगो क्रोम फिनिश में इस गाड़ी के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का लुक्स भी दोस्तों आप देख सकते हैं, गाड़ी देखने में बहुत ही शानदार है। बात करें टायर्स की, W4 W6 में 16 इंच का टायर स्टील अलॉय व्हील, W8 W8 डुअल टोन में 17 इंच का टायर्स और अलॉय व्हील्स आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। ब्रेक्स की बात करें दोस्तों, ये देश का पहला ऐसा गाड़ी है जिसमें आपको 4-wheel डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन। दोस्तों इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन देखने में बहुत ही लग्जरियस जैसा लगता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पेस मिलेगा सामान रखने के लिए। और ये है पावर विंडोज़ का स्विच, और उसके साथ आपको ORBM को एडजस्ट करने के लिए एक स्विच भी दोस्तों मिल जाता है। और दोस्तों ये है स्पीकर्स, जो कि आपको इंफोटेनमेंट में बहुत ही मदद करेगा। गाड़ी का लुक्स भी दोस्तों बहुत ही बेहतर है, और नीचे भी दोस्तों कुछ सामान रखने के लिए जैसे कि बोतल होल्डर है आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे लगा हुआ है एक लाइट जो कि सेंसिंग लाइट है। चलिए इस गाड़ी का अंदर जाकर भी थोड़ा इस गाड़ी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी का जो सीट है वो प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ बना गया है, और इस गाड़ी का जो सीट आप देख सकते हैं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो डुअल टोन ब्लैक एंड ब्लैक डैशबोर्ड के साथ आता है, जो कि इसका लुक को और भी बेहतर बना देता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको बहुत सारे स्पेस मिलेगा अपने ज़रूरी सामान रखने के लिए, और आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेगा जैसे आप देख सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप, और उसके साथ इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आता है। दोस्तों इस गाड़ी में लगा हुआ है ESP का मतलब होता है इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विथ रोल ओवर माइग्रेशन एंड फुल स्टॉप असिस्ट के साथ। बात करें इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील की, दोस्तों इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी लेदर के साथ आता है, और इसमें आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेगा। उसके साथ आपको महिंद्रा का लोगो भी इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील में देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। लेफ्ट साइड में आपको इस गाड़ी का RPM मीटर, और राइट साइड में आपको इस गाड़ी का स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, और बीच में आपको इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दोस्तों आप दे सकते हैं, और ये आपको टोटली डिजिटल इन्फॉर्मेशन देगा गाड़ी का बहुत सारे फीचर्स के बारे में। इस गाड़ी में पीछे लगा हुआ है रियर पार्किंग कैमरा, आप यहाँ पर बैठकर भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बटन दोस्तों इस गाड़ी का लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है। और यदि मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे स्पेस मिलेगा अपने सामान रखने के लिए, आप देख सकते हैं ये है बोतल होल्डर्स। बात करें इस गाड़ी का ट्रांसमिशन की, तो आपको इस गाड़ी में 6-speed ट्रांसमिशन मिलता है, 6 forward 1 reverse gear। दोस्तों ये मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
मगर इस गाड़ी में पहली बार महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया है डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, और उसके साथ आपको इस गाड़ी में सेफ्टी के हिसाब से देखिए तो 7 एयर बैग्स मिलेगा, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है एसयूवी सेगमेंट में। महिंद्रा ने इंफोटेनमेंट सिस्टम को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए भी फोकस किया है। इसमें लगा हुआ है 17.78 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद GPS नेविगेशन ब्लूटूथ USB के साथ। दोस्तों आप भी देख सकते हैं, यह है इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि दिखने में बहुत ही शानदार लगता है। रियर पार्किंग कैमरा को भी आप इसी से असिस्ट कर सकते हैं, और यह है ग्लोव बॉक्स, आप अपने जरूरी चीज़ें वहाँ पर रख सकते हैं। और सामने का डैशबोर्ड आपको डुअल कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि इसका लुक को और भी बेहतर बना देता है। बात करें तो इस गाड़ी का सीट की, दोस्तों आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो सीट का बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है, और ऊपर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। और आप ऊपर दोस्तों देख सकते हैं यह लाइटिंग का स्विच, इस गाड़ी का जो लाइट का विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है, और आपको मल्टीपल ऑप्शन भी दोस्तों इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है और इस गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है, महिंद्रा ने बहुत ही इंप्रूव किया है इसमें। बात करें इस गाड़ी का सेकेंड रो या फिर आप समझ सकते हैं पैसेंजर सीट की, आपको भी इसमें बहुत सारे स्पेस मिलेगा सामान रखने के लिए, पावर विंडोज और फिर आप स्पीकर भी दे सकते हैं। दोस्तों मैंने इस गाड़ी का सीट को थोड़ा झुका दिया है, क्योंकि मैं आपको इस गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा आसानी से दिखाना चाहता था। आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस, आप इसमें बहुत सारे सामान रख सकते हैं। और इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो कंपेयर करें टाटा हैरियर से, टाटा हैरियर का बूट स्पेस था 425 लीटर। दोस्तों मैंने अभी इस गाड़ी का सीट को एडजस्ट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी का जो सीट है। दोस्तों इस गाड़ी का जो सीट का बिल्ड और क्वालिटी है टोटली प्रीमियम लेदर के साथ इस गाड़ी का सीट को महिंद्रा ने बनाया है, और ये टोटली आपको एक लग्जरियस फीलिंग देगा। आप भी दोस्तों इस गाड़ी का लेग रूम देख सकते हैं, आपको दोनों सीट में का बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड में मदद करता है। आपको दोस्तों इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिलता है, आपको सामान रखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी का और एक खास चीज़, आपको इस गाड़ी में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है सीट के बीच में। देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें आपको बोतल रखने के लिए स्पेस मिला है। यदि आप चाहे तो कुछ कोल्ड स्टोरेज भी दोस्तों यहाँ पर आप रख सकते हैं, फिर आप इसे आराम से इसे फोल्ड भी दोस्तों कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो रूम है वो बहुत ही स्पेशियस लगता है। जब आप यहाँ पर बैठते हैं और सामने का हिस्सा आप देखते हैं तो गाड़ी का जो लुक्स आपको ऐसा ही दोस्तों देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये सनरूफ जो कि गाड़ी के का बीच में ही आपको देखने को मिल जाता है, और ये है इस गाड़ी का सीट बेल्ट जो कि ड्राइवर के लिए है और पैसेंजर के लिए इसका लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आपको बहुत सारे स्पेस मिल रहा है। अभी मैं खुद बैठ चुका हूँ इस गाड़ी में आपको दिखाने के लिए कि आपको दोनों सीट के बीच में आपको कितना अंतर मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको लग्जरियस स्पेस मिलेगा और गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। बात करें दोस्तों इस गाड़ी के इंजन की, तो आपको इस गाड़ी में दो तरीके का इंजन मिलेगा, पेट्रोल एंड डीजल। 1.2 लीटर 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर 1497 सीसी का डीजल इंजन इसमें लगा हुआ है। बात करें इंजन पावर की, पेट्रोल में 110 bhp का पावर, डीजल में 115 bhp का पावर आपको मिल जाएगा। बात करें इंजन टॉर्क की, दोस्तों इस गाड़ी में पेट्रोल में आपको 200 Nm का टॉर्क और डीजल में 300 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है SUV सेगमेंट में। दोस्तों इस गाड़ी का माइलेज की बात करें, पेट्रोल में आपको 17 किलोमीटर पर लीटर और डीजल में इस गाड़ी का माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर। दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी का पेट्रोल और डीजल वेरियंट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और इस गाड़ी का प्राइसिंग के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों ऊपर आपको लगा हुआ मिलेगा इस गाड़ी में ब्लैक रूफ रेल्स, जो कि इसका लुक को और भी थोड़ा बेहतर बना देता है। दोस्तों बात करें तो इस गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस की, दोस्तों इस गाड़ी में आपको 3 वेरियंट देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैंने मॉडल वाइज एक प्राइसिंग चार्ट ऊपर बना दिया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं आप जिस मॉडल का इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं पेट्रोल और डीजल वाइज आप आराम से इस गाड़ी में दोस्तों जान सकते हैं। और बात करें इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 42 लीटर। बात करें इस गाड़ी का व्हील बेस की, दोस्तों इस गाड़ी का व्हील बेस है 2600 mm, दोनों टायर का बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं व्हील बेस। इस गाड़ी का व्हील बेस भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, और इसके साथ आपको इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक ORVM मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है ड्राइवर सीट के पास में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यह है इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक ORVMs। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको कुछ सुझाव है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा बाइक चलाने का लिंक मिलेगा। यदि आप लोगों ने उसे भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक बाइक रिलेटेड वीडियो जरूर उस चैनल पर अपलोड करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।